जय श्री राधे। प्रिय साधकों, भगवान जो जगत की रचना करते हैं उसमें भगवान का जीवों को नाना भांत से रस प्रदान करना और स्वयं उनके प्रेम रस का आस्वादन करना यही उद्देश्य है। विचारशील साधक का चित्त शुद्ध होने पर उसको बोध प्राप्त होता है और उसके बाद प्रेम की प्राप्ति होती है। कोई कहे कि बोध के बाद प्रेम की प्राप्ति कैसी, उसका तो शरीर मन आदि से कोई संबंध ही नहीं रहता, फिर प्रेम कौन किससे और कैसे करता है? इसका उत्तर यही है कि प्रेमी का मन इंद्रियां आदि कोई भी भौतिक नहीं रहती, उसके मन बुद्धि आदि सभी दिव्य और चिन्मय होते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं जिस चिन्मय प्रेम की धातु से बने हैं उसी से उनका प्रेमी, उनका दिव्य धाम और सब कुछ बने हैं। उनमें कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है, इसलिए बोध के बाद प्रेम होना असंगत नहीं है। इसी में तो सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म लीलामय परमेश्वर के सगुण साकार रूप की सार्थकता है। प्रेम के अतिरिक्त सगुण ब्रह्म के होने में कोई कारण ही नहीं है। प्रेम अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होता, क्योंकि प्रेमी और प्रेम की लालसा एवं प्रियतम सभी नित्य और असीम हैं। अतः उनके मिलन में और वियोग में सदैव आकर्षण रहता है तथा नित्य नया प्रेम बना रहता है। साधकों, भगवान जीव के नित्य साथी हैं, कभी उससे अलग नहीं होते, तथापि प्राणी उनको जानता नहीं, भूल गया है। जैसे किसी की जेब में घड़ी पड़ी हो और वह उसे भूल जाए तो अपने पास होते हुए भी वह उससे दूरी का अनुभव करता है, तब तक जब तक उसे यह मालूम नहीं होता कि घड़ी मेरे पास मेरी जेब में ही है, तब तक वह उसे खोजता रहता है और उसके बिना दुखी होता है। परंतु जब उसको बोध हो जाता है तब वह घड़ी उसे मिल जाती है। उसी प्रकार यह जीव जब से भगवान को भूल गया है तब से अपने को उनसे अलग मानकर दुखी हो रहा है। यह भूल मिटाकर जो अपने प्रेमास्पद के संबंध का स्मरण हो जाना है यही वास्तविक स्मरण है। अतः नाम जप आदि साधन करते समय भी साधक को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह नाम भी मेरे प्रियतम का है। चित्त शुद्धि के लिए साधक को चाहिए कि या तो विकल्प रहित विश्वास करके यह माने कि मेरी और प्रभु की जातीय एकता है, अतः वे ही मेरे हैं, अन्य कोई मेरा नहीं है, और यह मानकर एकमात्र प्रेमास्पद प्रभु के प्रेम की लालसा प्रकट करे, अथवा शरीर और संसार में माना हुआ जो मैं और मेरापन है उसे विचार के द्वारा दूर करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अपने स्वरूप की एकता का बोध प्राप्त करे। अब प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से बोलिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।